नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जौहर झारखंड स्टडी में। जैसे कि फ्रेंड्स, JTET को लेकर जजमेंट आ चुका है और दोस्तों ये जो जजमेंट है इसका पर्दाफाश आपका 10 से 15 दिन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी छात्र ये चाहते हैं कि CTET वैलिड हो जाए और काफ़ी छात्र ये चाहते हैं कि JTET का एग्ज़ाम पहले हो। तो क्या कुछ होगा मैं फाइनली आपको बता देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, नहीं तो फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि आपने सही से बताइए नहीं। आप पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि क्या कुछ हुआ जजमेंट के दरमियान में मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं, ठीक है। तो दोस्तों जो जजमेंट आया, ठीक है, ये जो केस लड़ा जा रहा था, अंतिम दिन था 18 अगस्त, 18 अगस्त को ये केस अंतिम सुनवाई होने का था। तो यहाँ पर से जब झारखंड सरकार को पूछा गया कि आपने JTET नहीं लिया, ठीक है, नहीं JTET 8 सालों में एक बार भी नहीं लिया, तो इसका कारण बताइए, इनसे कारण पूछा गया था। और एक इसमें और एक ऑप्शन दिया था कि क्या आप JTET नहीं ले रहे हो तो क्या CTET को माइंड करोगे, ये दोनों ऑप्शन दिया गया था। तो झारखंड सरकार ने इसके जवाब में क्या कहा वो सुनिए। झारखंड सरकार ने कहा, चूँकि हम लोगों ने 8 साल से JTET परीक्षा नहीं लिया, इसका कारण इन्होंने बताया कि कुछ उलझन थी, ठीक है, कुछ उलझन थी और कुछ विवाद था, यानी हमारा JTET परीक्षा लेने के लिए कुछ विवाद था, इस विवाद के कारण हम एग्ज़ाम नहीं ले पाए। यानी ये विवाद उस चीज़ को लेकर कह रहे थे, नियमावली में संशोधन को लेकर। तो ये जो इन्होंने कहा था ये विवाद को लेकर, उतना बड़ा कोई रीज़न नहीं था। अब बताइए, एग्ज़ाम लेना रहता तो ये कौन सा विवाद था, इसे आराम से सॉल्व भी किया जा सकता था। हालांकि इन्होंने बचने के लिए बस इतना कहा कि हमारा JTET का नियमावली में कुछ विवाद था जिसके कारण हम लोगों ने JTET नहीं लिया। लेकिन ये सरासर झूठ था, क्योंकि एक्चुअल बात तो JTET जो 2016 पास स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने ज्ञापन पत्र में कहा था नहीं लेने के लिए, सबसे बड़ा रीज़न ये था, ठीक है। हालांकि ये बात वहाँ नहीं गई लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि विवाद के कारण हम लोगों ने JTET परीक्षा नहीं लिया, ठीक है, ये इन्होंने एक रीज़न दिया। फिर दूसरा ऑप्शन पूछा, चूँकि आपने 8 सालों में JTET नहीं लिया है तो क्या आप एग्ज़ाम के लिए CTET माइंड करोगे, ये पूछा गया, ठीक है, झारखंड सरकार को। तो इन्होंने जब पूछा तो इन्होंने साफ मना कर दिया, झारखंड सरकार ने साफ मना कर दिया, चाहे जो भी हो जाए हम CTET मान्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये झारखंड सरकार का पक्ष सुन लिया। उसके बाद वकीलों का पक्ष क्या था, वकीलों ने कहा कि चूंकि आपने 8 सालों में JTET परीक्षा नहीं लिया है, 8 सालों में JTET परीक्षा नहीं लिया है और 8 सालों से यानी 2016 से अभी तक जितने छात्रों ने DLED और BEd किया है इन्हें आप शिक्षक बहाली से बाहर करते हो बस इसलिए कि उन्होंने JTET परीक्षा पास नहीं किया है, JTET परीक्षा पास नहीं किया है और आपने एग्ज़ाम भी नहीं लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स की गलती कहाँ है, स्टूडेंट्स की गलती कहाँ है, इसमें स्टूडेंट्स के साथ अन्याय आप कर रहे हो। ये एडवोकेट्स ने कहा कि JTET परीक्षा आपने नहीं लिया और ये आपकी गलती है, क्योंकि ये झारखंड सरकार की गलती है, आपके गलती का जो है आपका गलती की सज़ा स्टूडेंट क्यों भुगते, ये कहा गया, ठीक है। और फिर जब पूछा गया, ठीक है आप कह रहे हो कि आप JTET नहीं ले पाए तो ऐसे स्थिति में CTET को माइंड करोगे, तो वहाँ पर भी इन्होंने कह दिया नहीं हम CTET माइंड नहीं करेंगे। तब इन दोनों बातों को सुना गया और प्लस पूर्व में बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आए हैं, मतलब दूसरे राज्यों में जहाँ पर TET परीक्षा लिए बिना एग्ज़ाम होने वाली थी, तो वहाँ पर ऐसे कंडीशन में उसे रोक के फिर से TET परीक्षा करवाया गया। ये सब वकीलों ने अपना दिखाया कि कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं हुआ है, ठीक है। तो पूरा डिटेल जो वकील थे, स्टूडेंट्स के वकील, उन्होंने दिखाया, ठीक है। तब जाके फाइनल जो वहाँ के जज हैं उन्होंने फाइनल अपना बोरिया बिस्तर समेटा, कहने का मतलब है फाइनली उन्होंने अपना जो जजमेंट सुनाना था
उसको रिजर्व कर दिया। मतलब दोनों पक्षों का बात सुनने के बाद कि क्या कुछ मामला है, और पूर्व में जो ऐसे कंडीशन आए हैं, बहुत सारे राज्यों में ऐसे कंडीशन आए हैं जहाँ की सरकार ने टेट परीक्षा लिए बिना एग्ज़ाम करवाने जा रही थी, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि उस एग्ज़ाम को स्टे करके मतलब टेट परीक्षा लिया गया, उसके बाद बहाली की गई। तो वो सब उनको सारा कुछ दिखाया गया, जो जज हैं उन्होंने सारी बातों को समझा और जजमेंट को रिजर्व कर लिया। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि झारखंड में क्या कुछ होने वाला है, तो मैं आप सभी को फाइनली बता देना चाहता हूँ। जो भी सीटेट को लेकर इंतज़ार कर रहे थे कि सीटेट वैलिड होगा, तो सीटेट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि झारखंड सरकार ने कह दिया कि हम सीटेट वैलिड नहीं करेंगे। झारखंड सरकार का कहना है चाहे जो भी हो जाए हम सीटेट वैलिड नहीं करेंगे, तो क्या करना होगा, तो जज के पास जो ऑप्शन है, जज के पास पूर्व में हुई ऐसे जो कंडीशन हुए हैं दूसरे राज्यों में, उसको देखते हुए अब जज जो डिसीजन सुनाने वाले हैं वो ये सुनाने वाले हैं कि जे टेट परीक्षा का आयोजन होगा उसके बाद ही ये बहाली हो पाएगी, यानी इस बहाली पे स्टे लगना निश्चित है। 99% अरे 99 क्या यार 100% ये बहाली अब स्टे होने वाली है, और जो जे टेट का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है, आप लोग जे टेट का अब तैयारी कीजिए, ठीक है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जिस प्रकार वकीलों की बातों को सुना और जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया उस अनुसार मैं कह रहा हूँ कि जे टेट परीक्षा पहले होगी, उसके बाद ही आपका बहाली होगी। इस न्यूज़ को सुनने के बाद जे टेट पास अभ्यर्थी हालांकि दुखी होंगे, साथ ही साथ सी टेट अभ्यर्थी भी दुखी होंगे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, ये तो होना ही था। अब देखते हैं, आप 10 से 15 दिन आप वेट कर लो, ठीक है, अधिकतम मान लो 10 दिन का वेट कर लो, आपको इसका समाचार मिल जाएगा और आप लोग अब जे टेट लिखने के लिए तैयार रहो, ठीक है। अब इस विषय में आप लोगों को जो कुछ कहना है कहिए, बाकी बात हो गया क्लियर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो होना था हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।